दया करके कुछ दीजिए, गरीब के लिए कुछ तो दीजिए। दया करके कुछ दीजिए, गरीब के लिए कुछ तो दीजिए। जब तुम प्रार्थना करते हो तो अपने कमरे में जाकर द्वार बंद कर लो और एकांत में अपने पिता से प्रार्थना करो। तुम्हारा पिता जो एकांत को भी देखता है तुम्हें पुरस्कार देगा। प्रार्थना करते समय गैर यहूदियों की तरह रट मत लगाओ। वे समझते हैं कि लंबी लंबी प्रार्थनाएं करने से हमारी सुनवाई होती है। उनके समान नहीं बनो, क्योंकि तुम्हारे मांगने से पहले ही तुम्हारा पिता जानता है कि तुम्हें किन किन चीजों की जरूरत है। तो इस तरह प्रार्थना किया करो। स्वर्ग में विराजमान हमारे पिता, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी। आज हमारा प्रतिदिन का आहार हमें दे, हमारे अपराध क्षमा कर जैसे हमने भी अपने अपराधियों को क्षमा किया है, और हमें परीक्षा में ना डाल बल्कि हमें बुराई से बचा। अरे बाप रे अब्दुल, अब्दुल! जो पाप करता है वह शैतान की संतान है, क्योंकि शैतान प्रारंभ से पाप करता आया है। ईश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि वह शैतान के कार्य समाप्त कर। शैतान दूर हट, 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 दूर हट, हट जा। डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। प्रभु यीशु, हम पर दया कीजिए। हम लोग बेसहारे हैं, हम कुछ नहीं कर सकते हैं, कृपया हमारी मदद कीजिए प्रभु। चिंता मत करो, क्योंकि उसने मुझे भेजा है जिससे मैं दरिद्रों को सुसमाचार सुनाऊं, बंदियों को मुक्त करूं और दलितों को स्वतंत्र करूं। आपको क्या ये सुना श्री? क्या आप हमारा सर्वनाश करने आए हैं? मैं जानता हूँ कि आप कौन है, ईश्वर के भेजे हुए परम पावन पुरुष। चुप रह, इस मनुष्य से बाहर निकल जा। यह क्या है? यह तो नई प्रकार की शिक्षा है, अधिकार के साथ। यह कौन सी भाषा है? वह अशुद्ध आत्माओं को भी आदेश देते हैं और वे उनकी आज्ञा मानते हैं। ईश्वर का पुत्र अशुद्ध आत्माओं का नाश करने आया है।
मेरे प्रभु, मेरे ईश्वर। प्रभु, आपने हमारी विपत्ति में हमें याद किया। आपका प्रेम अनंत काल तक बना रहता है। मेरे प्रभु, मेरे ईश्वर। स्वर्ग के ईश्वर की स्तुति करो, उसका प्रेम अनंत काल तक बना रहता है।